अल्लाह 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 कबूली एजाज का मसलक, जिस तरह ये शैतान आदमी नमाज पढ़ता तो उसको रोकता है ना, तो जब आदमी शैतान को घर से निकालता है तो फिर वो उसे फाइट करता है ना। जस्ट व्हेन यू प्रे एंड शैतान फाइट्स विद यू एंड गिव्स यू हार्ड टाइम, व्हेन यू वांट अल्लाह टू बी इनसाइड योर हार्ट देन शैतान विल वेज अ वॉर अगेंस्ट यू इवन मोर हेवियर। शैतान एक नहीं है ना, उसकी बहुत सी फौज है, ही हैज बिग आर्मी शैतान हैज। इसी तरह हमको अल्लाह ने आर्मी दी है, फिर हम उसका मुकाबला करते हैं। एंड इन द सेम वे अल्लाह सुब्हान व तआला हैज गिवन शेख हियर अ बिग आर्मी, सो देन वी कैन फाइट विद द शैतान व्हेन ही डज दिस। हम उसका वो तुम्हारे से लड़ेगा, हम उससे लड़ेगा, तुम कामयाब हो जाओगे। शैतान फाइट यू इन दिस रिस्पेक्ट एंड देन आवर फौज विल फाइट द शैतान टू कीप इट अवे सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस वे। और हम उस वक्त तक तुम्हारी मदद करेगा ना जब तक तुम्हारे अंदर ये चीजें रहमानी बन जाती हैं। सरकार सेज वी विल हेल्प यू and guide you in this respect until Allah who does not start inside you to keep those things away from you. फिर तुम इधर बैठा रहोगे और हजूर पाक के पास होगा, इधर बैठा होगा और हरी कब्र में होगा। Then you will be here and with the Prophet sallallahu alaihi wasallam at the same time you will be here. मुर्शिद पाक ने एक साल कबल जिन अफराद को जिक्र कल्वी का जाम अता फरमाया था, हालिया 1997 के दौरे के मौके पर सरकार के इन्हीं अमरीकी मोतकदीन ने आपको एक इस्तकबालिया खिताब के लिए फिर मदऊ किया, जहां कुछ नए लोग भी जिक्र के लिए बुलाए गए थे। इस मुख्तसर सी गैदरिंग में इन्होंने अपने अंदाज में इस्तकबालिया इजहार अकीदत के तौर पर सरकार के सामने साज के साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और उर्दू जबान में हमदे बारी ताला कौनो मकाम में है अल्लाह के अशार झूम झूम कर पेश किए। Do that one again, okay? This is the hardest part. So it goes, Kono makame hai Allah, dono jahan mein hai Allah. Kono makame hai Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. जैसा कि आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इस ग्रुप को लीड करने वाला सफेद लिबास में मलबूस ये शख्स कोई मुसलमान शेख नहीं, एक अमरीकी नौजवान है। पहले इन साहिब की न दाढ़ी थी न ये हुलिया, बल्कि गिटार पर गाने गाने वाला ये एक मनचला नौजवान मिस्टर जॉन था। लेकिन मुर्शिद पाक की नज़र ने इसकी जिंदगी में एक ऐसा इनकलाब बरपा किया कि अब वो अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा अपनी जिंदगी को इस्लामी तर्ज पर ढालने की कोशिशों में मसरूफ है। अब ये न सिर्फ हुलिये से बल्कि मिस्टर जॉन से भी जान फिरोज हो चुके हैं। ये सब निगाह मुर्शिद का अदना सा करिश्मा है, जहां जहां भी गए ये करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा ये झोली भरते गए। Again, I wish I could refer more to the teaching of the Quran, but in case I get it wrong, I won't. So I'll stay with the Torah and the Injil. It mentions that there are three aspects that form man. One is the physical body that we live in at the moment. The other is the soul, which is our being within that body. And the third one is the Spirit of God, which unites the soul and the body to make one whole. Now, is that the same teaching?
कह रहे सरकार तौरात और इंजील में एक तालीम दी गई है कि थ्री एस्पेक्ट्स हैं इंसान के, तीन हिस्से हैं जिस्म के, एक मादी जिस्म, एक रूह जो ऊपर से इसमें आई, तीसरा अल्लाह की रूह जो इन दोनों को मिला के रखती है। कह रहे क्या ये यही तालीम है आपकी भी? यही तालीम बयान करी है। Yeah, the same thing. Now, what happens to each one of these aspects when a person dies? पूछा जब इंसान की मौत आती है तो इन तीनों हिस्सों को क्या होता है? एक हिस्सा ऊपर चला जाता, बाकी एक हिस्सा कब्र में चला जाता, एक रूह ऊपर चला जाता, बाकी जो चीजें हैं ना उसके साथ वो एक कब्र में रह जाता है, कुछ अरसे बाद खत्म हो जाता है। One aspect, your body, material body, stay in your grave and it destroy here. The other souls, they go. One ऊपर, one aspect is on the first sky. तो बाकी soul जो है ना वो कब्र में है। And the other souls, you know, within the there in your grave. अगर उनमें ताकत है ना, नूर की ताकत है, तो फिर वो कब्र से लोगों को फैस पहुंचाता है। If they have a power of light of God, the soul in the grave, then they help the people and give them blessing. अगर वो जादूगर है, शैतान की ताकत जाते हैं, फिर उसको बदरू बोलता है, वो लोगों को सताता है। And if it your soul have a negative power, then it harms people and that called bad evils and bad souls. फिर वो लोगों को सताता है, वो शैतान के साथ मिल जाता है। Trouble the people and ये तीन हालतें हैं बस। These are three aspects. There have again been prophecies made, and every one of the major religions has a prophecy regarding the return of whether it be Jesus Christ, whether it be Buddha, whether it be Imam Mahdi, whether it be Krishna. There is always a prophecy of a God returning to this earth. Again, what is the situation concerning that? क्या रहता है different prophets ने उन्होंने जो saying में लिखा है उसमें कहीं पे लिखा है कि जो बुद्धा है उन्होंने वापस आना है, हज़रत ईसा ने वापस आना है, हिंदू कहते हैं कृष्ण ने वापस आना है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुस्लिम कहना है मेहदी ने वापस आना है, मुस्लिम कहते हैं मेहदी ने वापस आना है, सही कहते हैं। It's all truth. Are we now waiting for the return? वो कह रहा है कि अभी उनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ चुके हैं, इसका मुख्य मकसद है। Everybody has arrived. Now, when you say everybody, इस साल के अंदर ही अंदर ही तुमको सारा पता चलेगा, वो मेहदी था, वो ईसा था। Within one year, it will be evident, and you will come to know that who was Jesus, who was Mehdi, and who was Buddha, and who was Krishna. वो बिल्कुल इसी तरह दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं। They are already working. They're working in their field and preparing the people towards God. And within one year, you will come to know. जो उनके करीबी लोग हैं, वो उनको जानते हैं। And the people which are closer to them, they know them. So each of these people are different people. कह रहे वो ये चारों अलग अलग हैं, बुद्धा कृष्ण नहीं, वो एक ही नाम है, ईसा इलादा है, बाकी वो बुद्धा वो मेहदी वगैरह एक ही है। This is a separate. All three names are of man of names of one man. So this is then the concept, because we have now on the planet we have two people who are claiming to be the Maitreya, who are saying that they are God returned. How do we then deal with the fact that we have two people making this claim? Is there some way we can determine who is true and who is false? कह रहा है कि इस तरह कह रहा है कि फिर दो आदमी हुए जो वापस आएंगे और दो मिलके सारा इनकलाब लाएंगे। कह रहा है हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई ये वही ट्रू बंदे हैं, हम कैसे पहचानेंगे और कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? चोर को चोर पहचानता है ना, नूर को नूर पहचानेगा ना। He's saying the one who steals, he recognizes another, you know, thief. Thief recognizes thief immediately. Just like that, if you have a light of God in your heart, you will recognize immediately. एक चोर उधर बैठा दो, उनकी आंखें टकराएंगी। If one thief is sitting in another corner, another thief is sitting in another corner, if their eyes coincide, एक मोमन उधर होगा, एक मोमन इधर होगा, इनके दिल टकराएंगे ना। If the one man of God sitting on the other corner, on the other corner, they both have light of God in their heart, they will recognize. मोमन उसको बोलता है, जिन लोगों में नूर होंगे तो नूर नूर को पहचानेगा। मोमन is the stage of a person, the one who has a light of God in their heart, that's called मोमन। Now, I would not presume to say that I am a saint. Therefore, how can I tell? वो कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वली हूँ या मैं वो हूँ, तो मैं कैसे नूर पा सकता पैदा करेगा? That's why he's saying create that light of God in your heart, then you will be able to recognize. जब तेरे अंदर नूर होगा ना, अल्लाह अल्लाह हो रहा होगा ना,
अब उसके भी अंदर अल्लाह अल्लाह हो रहा है तो सामने जाएगा तो अल्लाह अल्लाह टकराएगा, समझ आएंगे इधर भी अल्लाह अल्लाह है। Once the name of Allah is happening in your heart, it is reciting name of Allah through your heart throat. Another man in his heart also, Allah Allah is going on. Once you come in front of him, then it will strike each other and it will get fast and you will come to know the man you are met now, he is a man of God. Is this the only way that I can determine? कहता है क्या ये एक ही रास्ता है पहचानने का? बस एक ही रास्ता है, वरना कुछ भी नहीं। There is only one way, there is no other way. We can recognize. वरना नाम दाढ़ी से पहचान सकता है, दाढ़ियां भी लोगों को इतनी इतनी हैं और तस्वीरें बड़ी बड़ी हैं, जुब्बे भी बड़े बड़े हैं। कहता है मैं इससे परेशान हूँ, मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं कैसे चोर को पहचानूं? तो चोर बने ना फिर इसके लिए। When you become a thief, then But you know, I mean, it is a serious question because if you say to a thief, "Are you a good man?" he will say, "Yes, I'm a good man." क्या बोलता है? कहता है इसका मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल है कि करूँ। से ये चोर को पहचाना, चोर बन जाओ बस। Yeah, become a thief, so become a thief. यही वजह ना कि जिनके लोगों में जरा सी भी लाइट थी उन्होंने नबियों को पहचाना ना। That's the main reason that those people who are having a very slight amount of a light of God in their heart, they recognize the prophets. उन्होंने जाने भी दी ना नबियों के लिए। They gave their lives to for them. पहचाना तो जाने दी ना। Because they recognize the prophets, that's why they give their lives for them. तो जिनमें ये कुछ भी नहीं था वो तो पहचान नहीं सके, उन्होंने मुखालफतें करी ना। And those who were not having a light of God in their heart, they were against them. They didn't cooperate. इसी तरह जिनके दिलों में जरा सा भी नूर होगा वो मेहदी को पहचान के साथ देंगे ना, तो जिनके दिलों में कुछ भी नहीं होगा फिर शैतान होगा, शैतान उसके मुखालिफ होगा। And those who do not have a light of God, they will be against Mehdi at this time, and they will not cooperate with him, and the Satan will be with them. लेकिन वो लोग जिन रूह ने ऊपर अल्लाह से मोहब्बत करेगी वो भले सिख है, भले हिंदू है, भले मुस्लिम है, वो मेहदी का साथ देगी। And those souls who fell in love with God that time, whether they are Muslim, they are Christian, they are Sikh, whatever their religion, they are going to join Mehdi and they are going to cooperate with him. इस वजह से उसको सब तस्लीम करेंगे। That's why everybody and every religion will accept Mehdi. उस वक्त मजहब नहीं था, मजहब तो यहाँ हुआ है ना, उस वक्त मोहब्बत ही थी ना। At that time there was no religion, there was only love of God. वो जो रूह है ना वो मेहदी का साथ देंगे। And those souls are going to join Mehdi and help him out. वो तो कुदरती तौर पे देगी, लकी तौर पे देंगे, उनकी मकदर में जो लिखा गया, तो बाकी रूहें जिनके अंदर अल्लाह का नूर होगा उसके जरिए पहचानेंगे। And those souls by luck and by chance, because they are amongst them, those who fell in love, that's why they will be with Mehdi and join Mehdi in Islam. But the other souls, if they have a light of God in their heart, only then they can join Mehdi, otherwise they can't. मैं खाना गौहर खुला इस तिश्नगी के दौर में, इस तिश्नगी के दौर में मैं वे हैरत है दुनिया क्या हुआ इस दौर में, मैं वे हैरत है। नाजरीन, कोटली शरीफ में खुदा की बस्ती के करीब वाक़े अल मरकज रूहानी सैयदना गौहरशाही मदरसतुल आली की मौजूदा रिहाइश गाह है, जो दुनिया भर के उशाकाने गौहरशाही के जज्बों और उमंगों का मरकज है। मुर्शिद के दर की चौखट को चूमने के लिए दुनिया भर में लाखों मस्ताने तरसते हैं, और जिस किसी को जब भी मौका मिले दीवाना वार कसरे गौहरशाही पर चला आता है। दुनिया भर से आए हुए सैकड़ों ख्वातीनों हजरात अपने मुर्शिद की एक लम्हे की सोहबत के लिए यहाँ सुबह से ही कतार दर कतार खड़े नजर आते हैं। मुर्शिद पाक बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर हैं, जबकि कसरे गौहरशाही का बड़ा दरवाजा, सरकार की रिहाइशगाह और ख्वातीन के लिए वक्फ मरकजी आस्थाने की तरफ जाता है।
مرشد پاک صبح تقریباً 10:30 بجے سے 1 بجے کے درمیانی اوقات میں آئے ہوئے خواتین و حضرات سے ملاقات فرماتے ہیں اور جس کسی کے لیے مناسب ہو اس سے تھوڑی بہت گفتگو بھی فرماتے ہیں، لیکن یہ سعادت اب یہاں بہت کم لوگوں کا نصیب ہے۔ یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر موجود ایک پہاڑی پر مرد حضرات کے لیے مرکزی آستانہ بھی ہے، جہاں ایک بڑی غوثیہ مسجد اور ایک مدرسہ بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت و شان سے دنیا کو کچھ اس طرح سے آگاہ فرمایا کہ دنیا حیران و ششدر رہ گئی جب یہ انکشاف ہوا کہ چاند پر سیدنا گوہر شاہی مدرسۃ الاولیٰ کی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے متعلق بے شمار لوگوں نے ہزاروں سوالات کیے، لیکن 2 سال تک آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور حکم الہی کا انتظار کیا، اور بحکم الہی اگست 1996 میں چاند پر اپنی تصویر کی تصدیق فرمائی۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان اگست 1996 گوہر شاہی کنفرمڈ دیٹ ہز فیشل امیج واز آن دا مون۔ جی چاند پر جو آپ کا چہرہ دکھایا جائے، لیکن پہلی بات تو ہے اتنا بڑا جھوٹ ہم بول نہیں سکتے نا، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو کل ہم تمہارے میں کیسے خطاب کر سکیں گے، کس منہ سے آئیں گے؟ ہم نے اس کی پوری تحقیق کری ہے، آخر میں یہ فوٹو میں آ گیا ہے، کیمرے میں آ گیا ہے، کیمرے میں آیا، رسالوں میں آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں گے یہ غلط ہے پھر لوگ ہم کو کہتے ہیں یہ چھپاتا ہے۔ رہا سوال تصویر آ گئی ہے، کیوں آئی ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے، کس نے دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے، کیوں دی ہے اس کا بھی ہم کو علم نہیں ہے۔ پہلے لوگوں نے دیکھی ہے، پھر ہم کو بتائی ہے، پھر ہم نے دیکھی تو پھر ہم کو نظر آئی، پھر ہم نے بھی اقرار کیا ہے نا۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، زیادہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مخالف بھی دیکھتے ہیں، ہاں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی شکل نہیں آئی، غوث پاک کی نہیں آئی، اس کی کیوں آتی ہے؟ میں اس کا جواب تو اللہ دے سکتا ہے، کیا خبر حضور پاک نہیں لگوا دی ہو؟ اس کے مطلب ہم کچھ نہیں بتائیں، اتنا ضرور بتائیں گے کہ جب حضور پاک نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا یہ جادو ہے، حضور پاک نے فرمایا تھا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا، اتنا ہمارا ایمان ہے کہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ جادو ہے تو پھر وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی جادو تھا نا، پھر وہ لوگ پھر برک کہتے ہیں نا، پھر وہ برک کہیں گے پھر صحیح ہے یہ جادو ہے، وہ جادو پھر یہ جادو ہے تو وہ بھی جادو تھا، اس مجھے کہیں انکار ہو جائے گا نا۔ چاند پر تصویر دیکھنے کے خواہش مند افراد سے التماس ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف سے ابھرے اس وقت چاند کو بغور دیکھا جائے، عام کیمرے اور ویڈیو کیمرے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، بعض کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ دوربین کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں، البتہ اگر کسی بھی سمت سے فوٹو لینا چاہیں تو 90 ڈگری پر تصویر ظاہر ہو جائے گی۔ چاند پر تصویر کے ظاہر ہونے کے بعد انگلینڈ اور دوسرے کئی مقامات پر یہ مشاہدہ بھی ہوا کہ غیر مسلم اور چاند سورج کی پوجا کرنے والے بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے مرشد پاک کی خدمت میں خود کو غلامی کے لیے پیش کیا۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلے آپ ہماری تعلیمات سے مطمئن ہو جائیں اور طریقہ سمجھ لیں، پھر ہم آپ کو ذکر قلب عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم پہلے ہی مطمئن ہیں کیونکہ ہم نے چاند پر آپ کی تصویر دیکھی ہے۔ ایک محفل میں کسی مسلم رہنما نے یہ سوال کیا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ چاند پر واقعی آپ کی تصویر ہے، لیکن آخر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے چاند پر ہماری تصویر کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ان کی ہدایت اور شفاعت کے لیے قرآن ہی کافی ہے، بشرط یہ کہ قرآن ان کے دل میں اتر جائے۔ لیکن جو لوگ قرآن کو نہیں تسلیم کرتے ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے چاند کی تصویر واقعی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔
نہ صرف چاند بلکہ چاند کی تصویر کے ظہور کے کچھ عرصے بعد ہی خلابازوں نے خلا میں ایک سورج سے 150 گنا بڑا انسانی چہرہ دریافت کیا، جس کی تفصیلات دنیا کے بے شمار اخبارات میں شائع کی گئیں۔ یہ چہرہ بھی سیدنا گوہر شاہی مدد اللہ علی کا ہے۔ In addition to the moon, astronomers discovered a human face 150 times larger than the sun. Gaur Shahi confirmed that this face was a spiritual body from within his physical body. To the left of the screen, you are looking at a photograph of Mars. Not only on the sun and the moon, but it has recently been discovered that there is a facial image of Gaur Shahi on Mars. There is also his name, Riaz Ahmed Gohar, visible, and the name of God, Allah, on it. Now see if you can match the photograph on the right of the screen with the image on the photograph of Mars on the left. इसके अलावा सितंबर 97 में हमें दुबई से एक साथी ने एक अखबार में शाया शुदा मरीख की एक तस्वीर अरसाल की। तस्वीर में एक तरफ इसमें अल्लाह और दूसरी जानिब मुर्शिद पाक की शबीह मुबारक के साथ साथ इस्म रियाज अहमद गौहर भी वाजह नजर आया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक मरीख की किसी मखलूक ने पत्थरों से यह नाम और तस्वीर बना दी है, जिसकी तहकीक के लिए नासा ने एक और ताकतवर शटल मरीख की तरफ रवाना कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे ये अल्लाह लिखा हुआ है, या यहाँ से ये लकीर ये शुरू होती है इस तरह से और यहाँ पर जाके ख़त्म होती है, और रियाज अहमद गौहर भी हम अगर गौर करें तो हम आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेन से बना के इसलिए दिखाया था कि आप असल उस तस्वीर में महसूस कर सकें। यहाँ से रियाज अहमद गौहर लिखा नज़र आता है, जुआद यहाँ से शुरू होकर ये जुआद बनता है, ये रियाज हो गया, ये है मीम और ये दाल, और ये बीच में यहाँ पे अलिफ है। You are now looking at some marble tiles. The first was discovered in a mosque in London and the second in a hotel in Pakistan, both of which have the face of Gaur Shahi embedded in the marble. Norbury, London mein Balam Masjid ki mihrab par sange marmar ke ek tile par Allah ki qudrat se murshid pak ki shabih wazeh nazar aa rahi hai, jo aaj bhi dekhi ja sakti hai. اسی طرح کی ماربل ٹائل پر مرشد پاک کی ایک اور شبیہ مبارک راولپنڈی کے جان شیر ٹاور ہوٹل میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جو اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ سینکڑوں افراد نے اس شبیہ کی بھی تصدیق کی ہے۔ Some people from Manchester returned from performing Umrah in Saudi Arabia and they brought back with them photographs of the Hijri Aswad, the holy stone in the Kaaba. Publishers in Mecca, Mirza Library and Company, have indicated that when the photograph is turned upside down, a human face is clearly visible on it. Many disciples, including ourselves, feel that the image on the holy stone is that of their spiritual guide. When asked about this phenomena, Gohar Shahi stated that this is a very sensitive matter. This may be caused by science, but it may also be a sign from God. He also stated that Muslim governments should fully investigate this matter and inform the public of the truth. ناظرین گرامی، اس سال مانچسٹر سے کچھ افراد عمرہ ادا کرنے بیت اللہ شریف گئے، اور واپسی پر وہ اپنے ہمراہ دیگر تصاویر کے ساتھ ساتھ حجر اسود کی تصاویر کے بھی کچھ ٹکڑے لے کر آئے، جو کہ مرزا لائبریری العمرہ گیٹ مکہ کی جانب سے شائع ہوئے تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ جب حجر اسود کی تصاویر کو الٹی سمت سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک انسان کی شبیہ واضح نظر آتی ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بشمول ہمارے جو کوئی اس شبیہ کو دیکھتا ہے وہ اسے اپنے اپنے مرشد کی شبیہ سے منسوب کرتا ہے۔ ہم نے مرشد پاک سیدنا گوہر شاہی مدد اللہ علی سے جب اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے،
हो सकता है कि साइंस के जरिए मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोई साजिश हो, और ये भी हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से कोई निशानी हो। मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि इसकी भरपूर तहकीक करें और लोगों को इसकी हकीकत से आगाह करें, क्योंकि ये तस्वीरें करोड़ों की तादाद में दुनिया में फैल चुकी हैं और इस पर इंसानी शबी का चर्चा भी जोरों पर है, जिसकी वजह से मुसलमानों के ईमान मजरूह होने के साथ साथ बहुत बड़े फितने का भी अंदेशा बढ़ रहा है। We would like to inform you at this stage that this film was produced and is presented to you by Zafar and Siddiqui Brothers. After obtaining all the necessary evidence, research material and endorsements. If any person for whatever reason has any doubt regarding its contents, then we are in a position to provide the necessary evidence for your satisfaction. In such circumstances, contact London, England on 00446-494-129. नाजरीन गिरामी, ये वीडियो जफर हुसैन एंड सिद्दीकी बिरादरान की जानिब से हर किस्म की तस्दीक, तहकीक और सबूत के साथ पेश की जा रही है। अगर किसी साहिब को किसी भी मामले में बेयकीनी हो तो हम पूरा सबूत फराहम कर सकते हैं। राबता फोन नंबर इन यूके 09664941290 एंड 09664171175। You are now looking at a photograph of Jesus. Gaur Shahi has confirmed that this is the true identity and the true facial image of Jesus. Whilst on tour of the United States of America in May of 1997, Gaur Shahi was visited by Jesus. This image of Jesus also appears on the full moon. हज़रत ईसा अलैहि सलाम की हज़रत सैयदना गौहर शाही मदज़िल्लाहुल आली से ज़ाहिरी मुलाकात। हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मदज़िल्लाहुल आली के हालिया दौरा अमेरिका के दौरान मौर्रिखा 29 मई 1997 न्यू मेक्सिको रियासत के शहर ताउस के एक मकामी होटल एलमोंटी लॉज में हज़रत सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही मदज़िल्लाहुल आली से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी मुलाकात फरमाई। ये मुलाकात आज 28 जुलाई 1997 तक एक राज रही, लेकिन अब जबकि मुर्शिद पाक ने इस राज से पर्दा उठाना मुनासिब जाना तो करम फरमाते हुए कुछ तफसीलात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं, न्यू मेक्सिको के होटल में पहली रात क़याम के दौरान रात के आखिरी पहर मैंने एक शख्स को अपने कमरे में मौजूद पाया। हल्की रोशनी थी, मैंने समझा हमारा कोई साथी है। पूछा, क्यों आए हो? जवाब दिया, आपसे मुलाकात के लिए। मैंने लाइट ऑन की तो ये कोई और चेहरा था, यानी एक खूबसूरत नौजवान, जिसे देखकर मेरे सारे लताइफ जिक्र इलाही से जोश में आ गए और मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई, जैसी फरहत मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में कई बार महसूस कर चुका था। लगता था उन्हें हर जबान पर उबूर हासिल है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ईसा इबन मरियम हूँ, अभी अमेरिका में ही रह रहा हूँ। पूछा, रिहाइश कहाँ है? जवाब दिया कि ना पहले मेरा कोई ठिकाना था ना अब कोई ठिकाना है। फिर मजीद जो कुछ गुफ्तगू हुई वो हम यानी गौहर शाही अभी बताना मुनासिब नहीं समझते। हज़रत गौहर शाही इस बारे में मज़ीद वजाहत फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं एरिजोना ट्यूसन में एक रूहानी सेंटर पर गया तो वहाँ किताबों के एक स्टॉल पर मेज़बान खातून मिस मैरी के हाथ में उसी नौजवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर देखी। मैं पहचान गया
और उस खातून से पूछा, ये तस्वीर किसकी है? कहने लगी, ईसा इब्ने मरियम की। पूछा, तुझे कैसे मिली? तो उसने बताया कि उसकी जान पहचान के कुछ लोग किसी मुकद्दस रूहानी मकाम पर इबादत और जियारत के लिए गए थे और उस मकाम की तस्वीर खींच कर जब प्रिंट करवाई गई तो कुछ तस्वीर में ये चेहरा भी आ गया, जबकि वहां न किसी ने देखा और ना ही तस्वीर उतारी। वो तस्वीर उस खातून से हासिल करने के बाद चांद पर मौजूद एक शबीह से इस तस्वीर को जब मिलाकर देखा तो हू बहू वही तस्वीर नजर आई। इन हवालों की रोशनी में अब इस राज से पर्दा उठाना मुनासिब समझते हैं कि वाकई ये तस्वीर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही है जो अल्लाह की निशानियों में से एक है। ईसा अलैहिस्सलाम से सैयदना गौहरशाही मदज़िल्लाहुल आली की इस मुलाकात के बारे में जब पूछा गया कि हदीसों में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम काबा, दमिश्क या बैतुल मुकद्दस में से किसी मकाम पर उतरेंगे, तो आपकी अमरीका में कैसे मुलाकात हो गई? इस बाबत जवाब में आपने इरशाद फरमाया कि मैंने उनके नुजूल का तस्किरा नहीं किया बल्कि सिर्फ अपनी मुलाकात का तस्किरा किया है। हो सकता है वो इन्हीं मकामात पर से कहीं उतरे हों और उन्हें हर जगह पहुंचने का तसर्रुफ भी हो, और ये मुलाकात रूहानी भी हो सकती है और जिस्मानी भी हो सकती है। अलबत्ता मैंने खुली आंखों से उन्हें जाहिर में ही देखा और उनसे मुलाकात की। दाई जानेब जो एक तस्वीर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फर्जी तस्वीर है जो कि तवील अरसे से ईसाई हजरात के चर्चों में महफूज है। जब सैयदना गौहरशाही मदज़िल्लाहुल आली से इसके बारे में पूछा गया तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया कि लूका और मती की इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो हुलिया लिखा हुआ था उसी हुलिये की बिना पर किसी मुसव्विर ने यह तस्वीर बनाई जिसके कुछ खदोखाल असल से मिलते हैं। On 20th of June 1997, the Daily Jung in Lahore reported that astronomers in the United States had discovered a 200-mile long image of Jesus on the face of the moon. This was composed of light and reflection. Photographs taken by NASA astronomers in 1992 have been concealed from the public. Further, according to this report, priests in America have demanded that the photographs and this information be released to the public so that it would strengthen the faith of the people. Abhi taza tareen October 1997 mein हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से ज़ाहिरी मुलाकात की खबर ने भी दुनिया को चौंका दिया और दुनिया के कई अखबारात ने इसे शाया भी किया, जिसके मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अमरीकी सदर को मुतनब्बे किया कि अपनी ताकत को सियासत के बजाय मजहब के लिए इस्तेमाल करो क्योंकि क़यामत बहुत नज़दीक है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए अमरीकन मैगजीन वीकली वर्ल्ड न्यूज के शुमारे 28 अक्टूबर 1997 को मुलाहिजा किया जा सकता है। तीन, मुर्शिद पाक की ये मोहब्बत की तालीमात हर मजहब के लिए हैं, ख्वाह आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। आप अल्लाह की पहचान और रसाई के लिए मुर्शिद पाक से राब्ता कायम फरमा सकते हैं। अगर आप बराहे रास्त मुर्शिद पाक से राब्ता ना कर सकें तो मुकम्मल चांद पर मुर्शिद पाक की शबीह की तरफ मुतवज्जो हों, और जब सैयदना गौहरशाही की तस्वीर आपको नजर आए तो तीन मरतबा कहें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपको जिक्र कल्ब की इजाजत हो जाएगी। मजीद मालूमात के लिए हमारे दुनिया भर के किसी भी रूहानी सेंटर पर राब्ता कायम कीजिए और सैयदना गौहरशाही मदज़िल्लाहुल आली की तसानीफ मीनारे नूर, रूहानी सफर, तरियाके कल्ब, तोहफतुल मजालिस, रोशनास और दीगर ऑडियो वीडियो प्रोग्राम हासिल करके मुस्तफीज हों। नाजरीन, मुर्शिद पाक सैयदना गौहरशाही मदज़िल्लाहुल आली के सालाना यौम विलादत के मौके पर जश्न शाही के सिलसिले में रावलपिंडी में एक अजीमुशान महफिल का एहतमाम किया गया। कुछ मनाजिर मुलाहिजा फरमाइए।
गए गुजरे दौर के अंदर जश्न गौर शाही की इस महफिल में काफी देर से तमाम अहबाब हजरत गौर शाही का तस्करा समाप्त फरमा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत खूब गौर शाही की शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं और कुछ लोगों के जहनों में ये बात भी आ रही है कि ये दावत तो जिक्र अल्लाह की देते हैं और तज़किरा गौर शाही का करते हैं, ये क्या बात है? ये दर हकीकत वो बात है जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जिनका अल्लाह जिक्र करता है उसका जिक्र अगर थोड़ी देर के लिए बंदे करें तो इसमें क्या मज़ाक़ है? जिक्र करते हैं और फिर उस हस्ती का मर्तबा और मकाम क्या होगा कि जिनका ना दिल सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है बल्कि जिसने लोगों के दिलों को लगा। कभी तस्वीर चांद के ऊपर नजर आती है, कभी पत्थरों के अंदर उसकी तस्वीर नजर आती है। ये चांद और पत्थर हम तो गौहर शाही का तज़किरा इसलिए करते हैं कि गौहर शाही ने हमें अल्लाह का जिक्र सिखाया है। ये चांद और ये पत्थर क्यों गौहर शाही का तज़किरा करते हैं? ये रब की शान है कि वो अपने खास बंदों की खास निशानियां जाहिर फरमाता है और ऐसी निशानियां बाज़ लोग ये कहते हैं कि किसी और की तस्वीर चांद में नजर नहीं आई, गौहर शाही की तस्वीर चांद में क्यों नजर आई? मैं कहता हूं हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पत्थर से निकली, किसी और की ऊंटनी क्यों नहीं निकली? जश्न गौहर शाही की इस तकरीब में मुल्क के नामवर कव्वाल अजीज मियां ने भी अपनी अकीदत का इजहार फरमाया। आइए मुलाहजा फरमाइए महफिल समा का एक मंजर। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की जानिब से सैयदना गौहर शाही मद्दज़िल्लाहुल आली के खिताब के प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में मुर्शिद पाक की तालीमात से आगाही के लिए एक मुख्तसर तारुफी वीडियो तैयार किया गया जो यूनाइटेड नेशन में पेश कर दिया गया है। मैसेंजर ऑफ लव के उन्वान से ये वीडियो अमेरिकन आवाम में भी बेहद पसंद किया जा रहा है और मुख्तलिफ स्टेट्स के टेलीविजन पर भी पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम इसकी मुख्तसर सी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं, मुलाहजा फरमाइए। In this time of tremendous change and turmoil, mankind more than ever before is searching for meaning in life and ways to find peace and love. Finding a way to true brotherhood and the love of God is a challenge which frequently requires the guidance of someone who has already achieved this state. Sufism is a spiritual path which facilitates opening of the heart and direct personal expression of the love of God. Although traditionally associated with Islam, Sufism is not a religion. Rather, it is a spiritual path and a way of life. It is above religion. A Sufi is a seeker of divine love. A Sufi master is one who, having achieved the essence and love of God, shares that knowledge with all seekers, regardless of race or religious affiliation. His Holiness Sayyidna Riaz Ahmed Gaur Shahi is a Sufi master whose commission is to extend the gift of divine love he is carrying to others. After several years of constant pursuit of the presence and love of God, while in retreat in the wilderness of Pakistan in the 70s, Gaur Shahi was granted the grace and blessings of the constant love and presence of God.
He was commissioned by God to leave the desert and go out into the world to share this experience with all seekers. His teachings are extremely simple, direct, and easy to practice. Gaur Shahi teaches this Sufi practice of the spiritual remembrance of God in the heart. This greatly accelerates the awakening of the heart center and the grace of the awareness of the presence of God. Gaur Shahi avoids the traditional religious debates and has devoted his life to the practical and true unification of the world community. Initially, for some people, his teachings were perceived to be conflicting, threatening, and rebellious. He went through a time of rejection, humiliation, and great hardship. In the first 4 years of his mission, only 4 people accepted his teachings. However, Gaur Shahi's steadfast commitment, firm belief, and love for God began touching the hearts of the people. He began his mission in the small city of Khotri, Pakistan in 1980. Since then, more than 1 million seekers have received initiation into this practice, and hundreds of thousands of those have had life-changing experiences. Marhaba ya marhaba, Gaur Shahi marhaba. Marhaba ya marhaba, Gaur Shahi marhaba. Marhaba ya marhaba, Gaur Shahi marhaba. Sarkar ki aamad marhaba, Murshid ki aamad marhaba. Chehra noorani marhaba, zulfe mastani marhaba. Marhaba ya marhaba, Gaur Shahi marhaba. Marhaba ya marhaba, Gaur Shahi marhaba. This path requires the experience of a practical transformation of the physical heartbeat to the ethereal remembrance and chanting of the name of God. The only way to create this is to allow Allah to come into the heart and to purify and enlighten it. This enlightenment is critical to experiencing the divine love and oneness of God. In the words of Gaur Shahi, in order to recognize Allah, God, and be able to approach the essence of Allah, learn spiritualism no matter what religion or sect you belong to. He only hooks up the heart. After the connection is made, it is between you and God. The knowledge which Gaur Shahi was given and shares is in opening the heart and having it beat with the personal name of God, Allah. This is not an intellectual quest. As you listen to this wisdom, focus on the heart and its reaction. This experience is very powerful and healing. This practice called zikr awakens the other subtle energy centers within the body as well. Gaur Shahi teaches that it is necessary to focus on the heart to find God. God is only found through the heart. Spiritualism cannot begin until your heart actually begins to remember and chant the name of Allah. If your heart is not awake, you are not truly on a spiritual path. Having an understanding of God, divine love, and the importance of remembering is not enough. Allah, 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 All
His Holiness Gaur Shahi states, when the name of God is taken inside you 24 hours a day, as in when you rub two sticks together, you create a light energy, you create a spark. When the name of God is taken inside you 24 hours a day, light is collected inside the heart. The achievements of Holiness Gaur Shahi is due to his simplicity, unconditional love, and ability to see beyond the boundaries of religion, culture, and nations. His devotees are totally convinced of his ability to practically demonstrate spirituality and take the seeker a step further than theological understanding. His unconditional love does not require any commitment or binding. We do not have to pay for any of the services that Gaur Shahi provides. His Holiness wishes for people watching this video to know the following vital messages. The religion of God is basically divine love. If we do not have love, we will not be able to achieve our goal, even with the best religion. The essence of the message is the love of God. Here was a man who said, here is the true experience of God. It is very simple. You open yourself to it, and God will do the rest. Allah will come into our hearts. We will experience Allah. And like I say, at first I thought, nah, that's too easy. How can that happen, you know? And no money, I didn't have to pay anything for it. And other teachers would ask me for hundreds of dollars sometimes. Or I would have to go on weekend workshops, which would cost a lot of money. Here was a man who wanted nothing from me, nothing at all, except the willingness to open to Allah. He teaches me self-respect, and he teaches me patience and control, and these all come in the line of doing the zikr, is being patient and understanding with everyone, because God loves everyone, and we have to stay together and have to for this world. If we all, I feel that Gaur Shahi is definitely a messenger of love. The very first moment I saw him, he hit my heart, and it's like opened it up. And he has definitely affected my life in that way. I feel every day my heart is opening up more and more. He's an extraordinary man who sees no boundaries between people, sees no boundaries such as nations or religions. There is just one thing that we need, one thing that we have to have, and he is a channel for this, and that is Allah in our hearts and in our lives. The man is quite extraordinary. I think that we are just about ready for this level of enlightenment, if you will, this level of message. The American Sufi Institute, the United States branch of the International Spiritual Organization, ASI, is sponsoring programs to introduce this Sufi master to the world. To those interested groups, organizations, either religious or non-religious, or simply other spiritual seekers, we welcome you to contact the American Sufi Institute.